जहां स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को जबरदस्ती क्लास और स्कूल से बाहर निकाला, गाड़ी चालकों और हेल्परों की गुंडागर्दी। नियामतपुर में दुकान तोड़े जाने को लेकर हंगामा, दुकान की जमीन का दावा करने वालों की गाड़ी में तोड़फोड़। कुल्टी में दिन दहाड़े हुई चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी किए गए गहने और रुपये बरामद। राज्य सरकार के आदेश के बाद अभी स्कूल खुले हुए मात्र एक दिन ही हुए थे कि आसनसोल के कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप स्थित नारायणा स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को एक बेहद खराब परिस्थिति का सामना करना पड़ा। वे क्लास ले रहे थे कि तभी कुछ लोग स्कूल के कक्षाओं में घुस गए और उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। उन्हें क्लास से ही नहीं बल्कि स्कूल के गेट के बाहर भी जोर जबरदस्ती कर दिया गया। दरअसल जो लोग शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल के बाहर निकालने की कारस्थानी कर रहे थे, वे स्कूल के गाड़ियों के चालक और हेल्पर थे। उनका आरोप था कि अक्टूबर माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है। वे पूरे वेतन की 25% देने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके मुताबिक स्कूल प्रबंधन ने वेतन देने से इनकार कर दिया था। जबकि स्कूल प्रबंधन ने पिछले अक्टूबर में यह लिखित आश्वासन दिया था कि जब तक कोरोना संकट रहेगा उन्हें 25% वेतन दिया जाएगा, बाकी बाद में धीरे धीरे दिया जाएगा। बहरहाल स्कूल के बाहर सड़क पर जाने से शिक्षकों को बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। बाद में तृणमूल नेताओं के हस्तक्षेप से मामला शांत हुए। की धरने आंदोलन चलछे आपनारा? বিষয়টা হচ্ছে নারায়ণা স্কুল আমার আসানসোল নর্থ ব্লকের মধ্যে রয়েছে। আমরা ওকে আমাদের পরিবারের সদস্য হিসেবেই ভাবতাম, কিন্তু এখানে গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে এখানকার 12 জন ড্রাইভার 12 জন হেল্পারকে পেমেন্ট দিচ্ছে না। আমরা সেই মুহূর্ত থেকে বসে একটা আন্দোলন করে আলোচনা করে সমদপ্তরে বসে একটা সেটিং হয়, যেখানে আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে কোভিড-19 সিচুয়েশনের জন্য যেহেতু গাড়ি চলছে না, 25% বেতন ড্রাইভার এবং খালাসিদেরকে ততদিন পর্যন্ত দিতে হবে যতদিন কোভিড চলবে। সেই সিস্টেমটাকে উনি মানছেন না, এবং আমার শ্রমিকদের 9 মাসের বকেয়া বেতন রয়ে গেছে। এই বকেয়া বেতন না মেটানো পর্যন্ত আমরা এই আন্দোলন চলবে। এবং শুধু এই নয়, যারা নন টিচিংয়ে আয়া এবং দিদিমণির ইয়ের কাজ করে, সাফাই কর্মী কাজ করে, তাদেরকে পর্যন্ত চমকিয়ে 1,000 টাকা করে বেতন দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। আমরা বলবো সরকার নির্ধারিত যে মিনিমাম ওয়েজেস, সেই মিনিমামের বেতন দিয়ে তাদেরকে কাজ করাতে হবে। মিনিমাম ওয়েজেস ভায়োলেশন আমরা মানব না। পরিষ্কার কথা। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कुल्टी थाना इलाके के नियामतपुर में एक दुकान तोड़े जाने को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस घटना को केंद्र कर काफी बवाल हुआ। दुकान को जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। इसके बाद जिन लोगों पर यह आरोप लगा उनकी गाड़ी में ईंट पत्थर बरसाए और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। किसी तरह से इस गाड़ी को और ज्यादा नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए उसे वहाँ से ले जाया गया। दरअसल जिस दुकान को गिराया गया उस जमीन के बारे में कुल्टी के केंदुआ बाजार निवासी हरे राम राय का दावा है कि वह उसकी है। उन्हें कोर्ट से जमीन का ऑर्डर भी मिल गया है, लेकिन दुकानदार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी दुकान नहीं हटा रहा है। लेकिन जबरदस्ती क्यों दुकान तोड़ी गई, इस संबंध में हरे राम राय ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह तो समझाने आया था। ইভিকশন জন্য ওই খালি করাবার জন্য যখন ওরা ই করছে, তারপরে এরা জোরে পড়লো, লোকাল লোক নিয়ে ডেকে নিল। আচ্ছা, খালি খালি করার জন্য আপনারা জেসিবি নিয়ে ওর দোকানগুলোকে ভেঙে দিলেন কেন? না, জেসিবি আমরা ইউজ করি না। জেসিবি কে করলো জানি না, জেসিবি আমি ইউজ করি। ওই জমি কি মালিক আপনি? আমার অ্যাটর্নি হোল্ডার আছে, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমার কাছে আছে। তো অ্যাকচুয়াল জমির মালিক কে? অ্যাকচুয়াল ওনার আছেন মিনাদেবী। মিনাদেবী কোথায় গাড়ি? ও নিয়ামত। আমি তো কাল পরশু গেছিলাম ওর কাছে, তো 3 বছর দাঁড়ে বাবু এরকম। আমি তো আমাকে বলছে আপনি আপনি বার যান কোর্টে অর্ডার নিয়ে, তারপরে আমার সঙ্গে কথা বলুন। আমি তো বলছিলাম বাবু এটা কিছু ব্যবস্থা করে নে,
আমি ওকে জিজ্ঞেস করা তো বারবার হয়, একদম বলছে আপনি বাড়ি যান, আমার কাছে আসবেন না, আপনি বাইরে চলে যান, কোর্টের যখন কাজ হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমার কাছে আসবেন। তিন বছর ধরে আমি তো অনেকবার বলছি বাবু ছোট ভাই মতন আছো, কি এটা বসে মিস করলে এটাই করে নাও, একটা শর্ট আউট যা আছে প্রবলেমটা করে নাও। নিয়ে আজকে আপনার ভাঙাভাঙি করে দিয়েছেন? ভাঙাভাঙি করা হয়নি, যা আছে ওকে ইভিকশনের জন্য আমরা তো দাঁড়িয়ে আছি, কোর্টের অফিসার যা আছে কোর্টের অফিসার ছিল আমরা, ওদেরই লোক নিয়ে আগে 20-25টা লোক ডাকলো। लेकिन दुकान गिराए जाने को लेकर इलाके में काफी तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। घटना की खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत किया। हम लोग तोड़ रहे हैं, जैसे भी पूरा किया, हम लोग पूरा जैसे भी तोड़ रहे हैं। अच्छा बात है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर बंगाली संस्कृति और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। तृणमूल के नेता कोलकाता से आसनसोल समेत पूरे बंगाल में दिलीप घोष के एक बयान को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या पार्टी की सभा में उछाल रहे हैं। शनिवार को आसनसोल में भी तृणमूल कांग्रेस के पांडेश्वर के विधायक और पार्टी के प्रदेश सचिव वी शिवदासन दासू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिलीप घोष पर कई आरोप लगाए। जितेंद्र तिवारी ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें दिलीप घोष कोलकाता में हुए एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तिवारी ने माँ दुर्गा को लेकर दिलीप का बयान दिखाई, हालांकि यह बयान अधूरा जान पड़ता है। दिलीप घोष का पूरा बयान इसमें नहीं दिखाया गया है, जिससे यह नहीं समझ आ रहा है कि उनके कहने का मतलब क्या है। फिलहाल तृणमूल इस बयान को लेकर ही बीजेपी नेताओं पर हमले कर रही है। हम लोगों ने देखा कि जो पार्टी क्लेम करती है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो राज्य सभापति हैं सांसद दिलीप घोष, उन्होंने माँ दुर्गा के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये निंदा करनी चाहिए इसकी, और हर व्यक्ति इसकी निंदा कर रहा है। और इसके पीछे मूल कारण है कि बंगाल के साथ दुर्गा पूजा का जो संबंध है, बंगाली अस्मिता के साथ माँ दुर्गा का जो संबंध है, राम भी जब लड़ाई करने के लिए गए थे माँ दुर्गा की स्तुति करके ही गए थे, उस माँ दुर्गा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि कहाँ से माँ दुर्गा आई है, ये सरासर हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म में जो माँ दुर्गा को मानते हैं और बंगाली संस्कृति, जो दुर्गा पूजा के साथ बंगाली संस्कृति का जो ओतप्रोत संबंध है, इसको कैसे कालिमा लिप्त किया जाए, इसका प्रयास किया गया है। हम सारे लोग इसकी निंदा करते हैं और हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। उधर कुलटी में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान को लेकर प्रतिवाद किया गया। न्यू रोड मोड़ पर दिलीप घोष का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। यहां तृणमूल के कई स्थानीय नेता मौजूद थे। আমরা মনে করি হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগকে তিনি অপমান করেছেন। এর প্রতিবাদে আজকে কুলটি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস, কুলটি ব্লক তৃণমূল ছাত্র এবং কুলটি ব্লক তৃণমূলের সমস্ত শাখা সংগঠন রাস্তায় নেমে ওনার কুশপুত্তলিকায় দাহ করেছেন, কারণ ওনাকে কেউ অধিকার দেয়নি হিন্দু ধর্মের উপর এইভাবে আঘাত করার জন্য। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें। कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बर्नपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है, सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा, तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बर्नपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बर्नपुर।
दो दिन पहले कुल्टी के कॉलेज रोड के एक घर में दिन दहाड़े चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने घर की खिड़की तोड़कर गहने और नकदी रुपये चुरा लिए थे, लेकिन इस चोरी के मामले में कुल्टी थाना पुलिस बड़ी कामयाबी हासिल की है। मात्र दो दिन में ही पुलिस ने चोरी करने वाले तीन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास चोरी के गहने और रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार चोर राजू अंसारी, अरमान ठाकुर, MD फिरोज को कुल्टी के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने बुधवार को रेखा शर्मा के घर में तब चोरी की थी जब वह घर बंद कर बढ़ाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी, लेकिन अब चोरों की गिरफ्तारी और गहने एवं नकदी मिलने से जरूर उन्हें राहत हुई होगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. करीब एक साल बाद शुक्रवार से स्कूल खुल गए हैं। स्कूल बंद रहने के दौरान राज्य सरकार की कई स्कीमों को छात्र छात्राओं को नहीं दिया जा सका था, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो राज्य सरकार की स्कीमों के तहत सुविधाएं छात्र छात्राओं को दी जा रही है। शनिवार को कन्यापुर हाई स्कूल में एक कार्यक्रम कर छात्राओं को साइकिल और टेप बांटे गए। राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने छात्राओं को साइकिल और टेप बांटे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रों से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए कई स्कीमें चलाई हैं जिससे उनको काफी फायदा हो रहा है। जिन्हें मानुषेर कथा भावें, जिन्हें राज्येर उन्नतिर कथा भावें, जिन्हें राज्येर मानुषेर के किभावे भालो जायगाते निये जावा जाय सेइ परिकल्पनागुलो करें तार नाम किन्तु মমতা ব্যানার্জী। মমতা ব্যানার্জী তাই আমি साइकिल और टेप मिलने से छात्राओं में भारी खुशी और उत्साह दिखाई दिया। उनका कहना था कि इससे उन्हें स्कूल आने जाने और पढ़ाई करने में काफी सुविधा होगी। खूब खुशी, अनेक दीर्घ दिन क्लास करते पाई नहीं, टैप पावर पहले क्लास करते पाच्छी, खूब खुशी था। टैप पहले प्रचुर सुविधा हबे, अनेक परिवार आछे जारा टैप छाड़ा क्लास करते पारे ना, तो ई पोरे टैप किनते पैसा पाओ तो सबाई टैप किनते पाच्छे। खुशी, एटा तो आमादेर अनेक सुविधा हलो যেহেতু এই করোনা পরিস্থিতিতে, তাই অনলাইন ক্লাস করে আমরা খুবই সুবিধা পেয়েছি আর কি। কি কি অসুবিধা হচ্ছিল এই টাইমে? এটা যাদের প্রতিদিন রোজগার হয় না কিভাবে, তো তারা তাদের টাকা ছিল না, পয়সা ছিল না এই ট্যাব কেনার, তো তারা ট্যাব কিনতে পারলো, এই জন্য অনেক ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীকে। जामुड़िया के चांदा इलाके में काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर लाइब्रेरी और मंच का पुनर्निर्माण किया गया है। शनिवार को इसका राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने उद्घाटन किया है। नजरुल मंच का मंत्री मलय घटक और आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने शिलापट से फलक हटाकर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। जबकि लाइब्रेरी का घटक ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मंत्री घटक ने इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 10 सालों में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले चुनाव में फिर से राज्य में उनके नेतृत्व में ही तृणमूल की सरकार बनेगी। माननीय मंत्री श्री मलय घटक महाशय आज के उद्बोधन मुहूर्त रही।